नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न स्मार्ट में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 8th मार्च 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आने वाले वेरियस एग्ज़ाम LIC, FCI और CHSL के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन इज़ द इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, 7th मार्च, 8th मार्च, 9th मार्च और 10th मार्च। तो इन चार ऑप्शंस में जो राइट आंसर है दोस्तों, दैट इज़ द 8th मार्च। 8th मार्च सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल वुमेंस डे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 7th मार्च 2019 रिलीज द डिक्शनरी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टू हाईलाइट द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। 7 मार्च 2019 को PM मोदी जी ने एक डिक्शनरी लॉन्च की है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर्स के लिए डेडिकेटेड है। तो ये जो डिक्शनरी है उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए डेडिकेटेड है जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर 1857 से लास्ट इंडिपेंडेंस वॉर 1947 के बीच में शहीद हुए। तो इसके कुछ ऑप्शंस इस प्रकार हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मार्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स। तो दोस्तों, इस सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज़ द सी ऑप्शन, इंडियन मार्टर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर दैट डिजिटलाइज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ प्रॉपर्टी फ्रॉम लीज होल्ड टू फ्री होल्ड। तो रिसेंटली यूनियन अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है। ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ई धरती, प्रॉपर्टी, अर्बन यू, कन्वर्जन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन ए, ई धरती। रिसेंटली मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द यूनियन अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अप्रूव्ड टू फॉर्म मेडिएशन पैनल टू रिजॉल्व राम टेम्पल बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट केस। द मेडिएशन प्रोसीडिंग्स आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच सिटी। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थता कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी अपनी प्रोसीडिंग्स किस सिटी में कंप्लीट करेगी, ये सुनने में आ रहा है कि ये जो प्रोसीडिंग्स होगी ये गोपनीय होगी, इसको किसी प्रिंट मीडिया या पर अगर हम बात करें सोशल मीडिया पर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इसके जो एक मेंबर जो संभावित सदस्य हैं वो श्री श्री रविशंकर को माना जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस बोल रहा है कि ये प्रोसीडिंग्स किस सिटी में स्टार्ट की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मध्यस्थता कमेटी गठित की गई। ऑप्शंस हैं, प्रयागराज, फैजाबाद, वाराणसी, लखनऊ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों दैट इज़ द बी ऑप्शन, फैजाबाद, जिसका अभी नामकरण करके अयोध्या कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, 36 नेशंस हैव साइंड एन ओपन लेटर क्रिटिसाइजिंग विच नेशंस ह्यूमन राइट रिकॉर्ड। ऑप्शन हैं, रसिया, इजराइल, म्यांमार, सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों दैट इज़ द डी ऑप्शन, सऊदी अरेबिया। बैंक के कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आया है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया एंड व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों, जो सऊदी अरेबिया का करेंसी है दैट इज़ द रियाल, अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो रियाल, और इसका जो कैपिटल है दोस्तों वो याद रखिएगा दैट इज़ द रियाद। अगर हम सऊदी अरेबिया की प्रिंस की बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान जो फेमस पर्सनालिटी रहे, जिनको पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया 2017 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा दोस्तों दैट इज़ द सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ MOU ऑन कैंसर रिसर्च इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने कैंसर इनिशिएटिव को लेकर के इंडिया और किस देश के बीच में एग्रीमेंट साइन किया। ऑप्शन हैं, जर्मनी, जापान, UK, ऑस्ट्रिया। तो राइट आंसर है दोस्तों UK। UK और इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है ऑन द कैंसर रिसर्च इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 8th क्वेश्चन, कुम्मानम राजशेखरन रिसेंटली रिजाइंड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। कुम्मानम राजशेखरन जी ने किस स्टेट के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन से, मिजोरम, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। तो आसाम तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि आसाम में रिसेंटली जो गवर्नर हैं वो हैं आपके जगदीश मुखी जी।
मेघालय और वेस्ट बंगाल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मिजोरम। मिस्टर कुम्मानम राजशेखरन जी जो गवर्नर थे इससे पहले मिजोरम की, बट उन्होंने रिज़ाइन दिया। और जो आसाम के गवर्नर हैं मिस्टर जगदीश मुखी, टेक एडिशनल चार्ज ऑफ मिजोरम। तो ये याद रखिएगा कि जो मिजोरम के गवर्नर थे कुम्मानम राजशेखरन जी, उन्होंने रिज़ाइन दिया, लेकिन जो मिजोरम का एडिशनल चार्ज दिया गया वो आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी जी को। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। द बीसीसीआई इन द लेटेस्ट लिस्ट ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स डिमोटेड विच प्लेयर? ऑप्शंस हैं खलील अहमद, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शिखर धवन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों जिसको डिमोटेड किया गया है शिखर धवन को, और जो फेमस विकेटकीपर की अगर मैं बात करूँ ऋषभ पंत, उनको प्रमोटेड किया गया है और शिखर धवन जी को डिमोटेड किया गया है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। उम्मीद है दोस्तों कि आपने इनको सबको इन्जॉय किया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर से मिलते हैं हम लोग कुछ इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।